आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप लोग एक कमेंट कर रहे हैं कि भैया मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, हम ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हैं और हमारे चैनल पर अब व्यूज आना बंद हो गया है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई ट्रिक बताइए जिससे कि हम अपने जो शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना रहे हैं, उस पर व्यूज ला सके। देखिए सबसे पहले चीज तो मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक चीज का एक ट्रेंड होता है, एक समय होता है जहां पर आप उस पर काम करेंगे तो उस पर आपको सफलता मिलेगी, ठीक ना। आजकल क्या है, सभी लोग, ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं और ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी वीडियो पर रीच नहीं जा रहा। और उसमें से बहुत से ज्यादा लोग का कहना ये है कि भैया हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमने जो अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजा ग्रीन स्क्रीन का और हमारे चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो गया, तो क्या कर सकते हैं। अगर हम ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हैं, हमारा चैनल भी नहीं मोनेटाइज हो रहा है, साथ ही साथ हमारे चैनल पर व्यूज भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे जिससे कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो। तो देखिए भाई, हम आपको एकदम आज एकदम सिंपल था और एकदम आसान चीज बताने वाले हैं जिससे कि आप शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे, आपका चैनल भी मोनेटाइज होगा और वीडियो भी आपका नहीं होगा। समझ सकते हो, वीडियो भी आपका नहीं होगा, मोनेटाइज भी होगा, साथ ही साथ आप वहाँ पे पैसे भी कमा सकते हो। लेकिन देखिए, मैंने हर बार एक चीज़ बोला है कि भाई शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा अगर आप लॉन्ग पे काम करोगे तो भाई आपका ग्रोथ अच्छा बनेगा, ठीक है ना। मैं हमेशा शॉर्ट से भाई के अपोजिट में रहता हूँ, शॉर्ट को मैं नहीं बोलता हूँ भाई आप शॉर्ट चैनल बनाइए, शॉर्ट पे काम कीजिए। देखिए, शॉर्ट पे जितना काम करोगे ना उतना अगर लॉन्ग पे दिमाग से काम कर लोगे तो आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे, ठीक है ना। शॉर्ट पे यार लाखों में व्यूज आते हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं, तब जाके पैसा बनता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये हमारा एक वीडियो है, ठीक है ना, एक ही हमारा वीडियो है, इस पर कितना व्यूज आया, लगभग 7 से 8 लाख व्यूज आया और पैसा देख सकते हो कितना बना है, 400 से 500 रुपए से। अगर इतना व्यूज हमारी लॉन्ग वीडियो पे आ जाता, कम से कम मैं आपको बता सकता हूँ 20 से 20,000 रुपए कमा सकता था। समझ सकते हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई आप लॉन्ग पे काम करो। लेकिन आप लोगों ने भाई क्वेश्चन पूछा है मुझसे, बोला है कि भाई उसका तरीका बताइए कि हम ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना रहे हैं, ना ही हमारा चैनल वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रही है, ना ही हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, ना ही हम कुछ कर पा रहे हैं, ना ही पैसा कमा रहे हैं, ना ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आप शॉर्ट ही चैनल बनाकर काम करना चाहते हैं और दूसरों की वीडियो डाल के पैसे कमाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को जो लोग शॉर्ट पर काम करके पैसे कमाना चाहते हैं। जैसे कि आपने आज से कुछ समय पहले देखा होगा, बहुत से लोग हैं जो ग्रीन स्क्रीन पे काम करते थे और अब उनके चैनल पर व्यूज आना डाउन हो गया और उनका चैनल भी बर्बाद हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो आपका चैनल, आपका काम, आपकी चीज़ें बर्बाद ना हो, तो ये वीडियो देख लेना और समझ लेना। आपने देखा होगा एक ऑप्शन यूट्यूब पर आता है, ज़्यादातर लोग क्या है ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करते हैं, तो ग्रीन स्क्रीन आपको नहीं यूज़ करना, आपको यूज़ करना है कट, वीडियो कट आता है ना, एक ऑप्शन आता है वीडियो पर हम कट कर सकते हैं, 5 सेकंड किसी और का वीडियो चलेगा और बाकी आपका चलेगा। अब आपको करना क्या है ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आप करोगे कैसे, ठीक है ना। अब देखो, आपने क्या है एक ग्रीन स्क्रीन छोड़ दीजिए, ग्रीन स्क्रीन पर काम नहीं करना है अगर आपको जल्दी से जल्दी अपना चैनल मोनेटाइज करना है और अच्छा खासा व्यूज लाना है, क्योंकि यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो पर जितना भी वॉच टाइम आता है वो काउंट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ व्यूज काउंट होता है, चाहे वो आपकी 2 सेकंड की वीडियो हो, चाहे वो आपकी 10 सेकंड की वीडियो हो, चाहे वो 100 सेकंड की वीडियो हो, समझते, 60 सेकंड निकल गया, 60 सेकंड की वीडियो, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ काउंट क्या होता है, व्यूज काउंट होता है, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, सिर्फ व्यूज लाना, आप समझोगे लाना कैसे वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या है, किसी भी वीडियो से कट करना है, ठीक ना। ठीक है, किसी भी वीडियो से आपको कट करना है, कट समझे, कट कट करेंगे तो 5 सेकंड का वीडियो आपका सेव हो जाएगा, उस पर आप कर लीजिए 15 सेकंड, ठीक है ना, 15 सेकंड करेंगे तो जो भी आपको वो 5 सेकंड में बोला गया, ठीक है ना, जो भी सामने वाले क्रिएटर ने जो भी आपके सामने वहाँ पर बोला है, जिसका आपने कट वीडियो बनाया है, वहाँ पे आपको आधा 5 सेकंड डालेंगे और फिर उसमें आपको 3 से 4 सेकंड अपना ऐड करना है, 5 सेकंड ऐड करना और बोल देना उसी से रिलेटेड, ठीक है, जो भी उस वीडियो में उस क्रिएटर ने बोला है, जो भी शॉर्ट वीडियो जिसका भी आप वीडियो ले रहे हो, कट वीडियो बना रहे हो, ठीक है ना, वहाँ पे आपको 5 सेकंड आपको बोलना है, 5 सेकंड तो उसने बोल दिया, 5 सेकंड आपको बोलना है, मतलब कि वो वीडियो 10 सेकंड का हो गया, 10 सेकंड से ऊपर का वीडियो आपको नहीं बनाना, मेरी बात को समझ लीजिए। 10 सेकंड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका वॉच टाइम नहीं काउंट होगा, सिर्फ और सिर्फ व्यूज काउंट होगा, समझ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपका व्यूज काउंट होता है, समझ लो। अब देखो, जब आप कट वीडियो बनाओगे तो जो आपका 5 सेकंड तो उस बंदे का आपने लिया, अब 5 सेकंड आपका रहेगा, उसमें क्या करना है,
उसमें आपको पूरा सही तरीके से वॉइस ओवर करना, मतलब वॉइस ओवर का मतलब है बोलना है जो भी उस 5 सेकंड में हुआ उसी से रिलेटेड आपको इधर 5 सेकंड में बोलना है, ठीक है ना। क्यों बोलना है, क्योंकि इससे क्या रहा है कि जो वैल्यू वहाँ पर उस बंदे की ना, तो इससे मतलब हो जाएगा कि आपने रिएक्ट करके एक वीडियो बनाया है, वो भी कट पेस्ट वीडियो बनाया है, ठीक है ना। ये चैनल पर कभी भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत आसान तरीके से मोनेटाइज हो रहा है, कुछ नहीं करना है। ग्रीन स्क्रीन पर आपको हर चीज़ बोलना पड़ता है, पूरा प्रॉपर तरीके से हर चीज़ बार बार करना पड़ता है, तब जाके वहाँ पर छोटी सी भी अगर वहाँ पर गलती होगी तो भी आपका चैनल वो मोनेटाइज नहीं होता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ कट पे वीडियो बनानी, कट करना, अपना छोटा सा पार्ट उसमें ऐड करना वहाँ से ही, और वीडियो को पब्लिक मतलब कि अपलोड कर देना यूट्यूब पर। अपलोड करने के 1 से 1.5 घंटे बाद उस वीडियो को पब्लिक कर देना। क्यों 1 से 1.5 घंटे बाद करना है मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप तुरंत वीडियो अपलोड मतलब कि पब्लिक कर, जैसे ही आपने बनाया वैसे ही पब्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आपकी वीडियो का रीच डाउन हो सकता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपने अभी वीडियो बनाया और अपलोड किया यूट्यूब पर और थोड़ी देर बाद आपने पब्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आपका रीच डाउन हो सकता है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग इस तरीके की गलती कर रहे हैं अपने चैनल पर, जिससे कि उनको रीच नहीं मिल पा रही, ठीक है ना। क्योंकि देखो जब यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, जो आप उसमें टाइटल लगाते हो, जो भी उसमें हैशटैग लगाते हो, वो सारी चीज़ को यूट्यूब एनालाइज करता है, मतलब कि देखता है आपने क्या किया। क्योंकि YouTube एक मशीन लर्निंग सिस्टम है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, YouTube एक मशीन लर्निंग सिस्टम है, और मशीन लर्निंग सिस्टम जो भी आप मेटा डेटा उसमें फीड करते हैं, जो भी चीज़ें ऐड करते हैं, जो भी चीज़ें बोलते हैं, उन सभी चीज़ों को वो एनालाइज करता है और फिर उसके बाद प्रेजेंट करता है। अगर आपका वो सारी चीज़ें मैच करता है अच्छे से, आपने प्रॉपर तरीके से उसको किया है, तो आपकी वीडियो रैंक होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है ना। और वीडियो अपलोड करने का भी एक टाइम होता है, ये नहीं कि भाई आपने मुंह उठाया वीडियो बना के अपलोड कर दिया, फिर मुंह उठाया वीडियो बना के अपलोड कर दिया, ये नहीं। वीडियो का भी एक टाइम होता है, वीडियो बनाइए अपलोड कर दिए अनलिस्टेड पर, जब वो टाइम आता है तब उस टाइम पर आप वीडियो अपलोड कीजिए। क्योंकि आपका एक नया चैनल है तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि भाई पहले सुबह अपलोड कीजिए, फिर दोपहर में अपलोड कीजिए, फिर शाम को अपलोड कीजिए, फिर रात में अपलोड कीजिए, देखिए कहाँ पर आपका सुटेबल टाइम बन रहा है वीडियो वायरल होने का। जहाँ भी एक बार वीडियो वायरल हो जाती है जिस टाइम पर, उस टाइम पर आप क्या करना, वहाँ पर चिपक जाना, उसी टाइम पे वीडियो डालना चालू कर देना, फिर मॉर्निंग में, फिर धीरे धीरे सब्सक्राइबर आने लगे तो आपका चैनल ग्रो होने लगेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपका चैनल ग्रो हो जाए तो अपनी चैनल पर जितने भी शॉर्ट की ऑडियंस है उसको धीरे 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 लॉन्ग फॉर्मेट में भी आपको ट्रांसफर करना है। क्योंकि शॉर्ट का चैनल अगर आप बना रहे हैं, कुछ समय तक आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम तक पैसा नहीं कमा सकते, जब तक उस ऑडियंस को आप अपने शॉर्ट प्लेटफॉर्म पर नहीं ले आते, लॉन्ग प्लेटफॉर्म पर नहीं लाते, लॉन्ग वीडियो पर नहीं ले आते हो, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही काम करते जाना है, करते जाना है, करते जाना, जब तक आपकी ऑडियंस, मान लो आपके में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 50,000, 20,000, 30,000 शॉर्ट पे व्यूज़ आ रहे, तो 10,000 अगर आपके 5,000, 10,000 लॉन्ग पे व्यूज़ ना आने लगे, तब तक आपको इसी तरीके से काम करना है। क्योंकि जब तक लॉन्ग से जितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उसका पैसा सबसे ज़्यादा बनता है, शॉर्ट की मुकाबले में बहुत कम, ठीक है ना। शॉर्ट की जितना पैसा आता है, शॉर्ट पे आता है ना, बहुत नाम भर का आता है, जितना लॉन्ग पे आएगा, अगर लॉन्ग आपकी 10,000 चल जाएगी वीडियो, जितना पैसा उससे बनेगा उतना 1 मिलियन पे आपको मिलेगा यहाँ पर शॉर्ट पे, समझ रहे हो, शॉर्ट पे मिलेगा। तो इसीलिए कहने का मतलब कि लॉन्ग पे ज़्यादा आपको फोकस करना है, शुरू में शॉर्ट पे चलिए, बाद में लॉन्ग पे फोकस करना है। क्योंकि ये लॉन्ग का जो फॉर्मेट होता है वो लाइफ टाइम होता है, शॉर्ट का फॉर्मेट कुछ समय के लिए होता है, फिर कुछ समय बाद बंद हो जाता है, बेकार हो जाता है, ठीक है ना। जो मैंने आपको समझाना मैं चाह रहा था वो मैंने आपको समझा दिया पूरा प्रॉपर तरीके से। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि देखो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि शॉर्ट पर आखिर में ग्रीन स्क्रीन पे काम कर रहे, तो ग्रीन स्क्रीन पे काम करना सही है कि नहीं। देखो यहाँ पर अगर आप प्रॉपर तरीके से सही तरीके से ग्रीन स्क्रीन वीडियो बना रहे हो तो सही है, अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं बना पा रहे तो फिर दिक्कत है, आगे आपके में दिक्कत आएगी। इससे अच्छा कट पेस्ट वीडियो बनाओ, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। कट वीडियो बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, तो बहुत ही आसान तरीके से अपने चैनल को भी ग्रो कर पाओगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिए, मिलते किसी और वीडियो, तब तक ले जाए, वंदे मातरम।